कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, द टीआरपी शुड बी आइडेंटिफाइड, द टर्म्स राइट्स द पेमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड, कलेक्टिबिलिटी शुड बी देयर, और क्या है कमर्शियल सब्सटेंस, बस बार्टर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इंडिया 115 और एएसआई में क्या डिफरेंस है, ये हमको चाहिए। दूसरा हमको चाहिए इंडेस 116 क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, ये कौन लिखेगा। जल्दी ली, टाइम नहीं अपने पास, इंडेस 115 और AS9 फटाफट, वेट मत करो, पहले तुम लिखो फिर हम लिखेंगे, ऐसा काम नहीं। जितेश लिखो अभी, पढ़ लो, रात को जो पढ़ता है ना बहुत काम आएगा, सुबह तो ऐसे भी नहीं पढ़ेगा एग्जाम, अभी जो पढ़ेगा उसको याद रहेगा। कृष्णा पढ़ रहे ना, तुम तो सो रहे भाई, सोने से नहीं होगा, आराम से ऐसे क्यों बैठे भाई, आराम से बैठो, ऐसे बैठो, देखो इतना आराम जिंदगी में सही नहीं है, अभी से इतना आराम बाद में दिक्कत हो जाएगा फिर। ठीक है, अभी आराम मत करिए, मेहनत। ठीक है, ठीक है, अभी ठंडा का मौसम है राइट, आप इतना मेहनत करिए कि आपको ना गर्मी लगे, एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट है इतना, मतलब आपको मेहनत करना चाहिए सबको, समझ में आया, कि अगर आप मसूरी में भी बैठा है ना तभी आपको इतना मेहनत कर लेना, आपको गर्म लगने लग जाए, मतलब पढ़ पढ़ के। ठीक है, इसका आंसर लिखिए, हमको इसका डिफरेंस बताइए जल्दी से, डिफरेंस बिटवीन इंडेस 115 और AS9, अबे राठी लिखिए या राजविंदर लिखिए, यशवंत, डिफरेंस बिटवीन, वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग प्लीज, वीडियो ऑन कर लीजिए, रात को आए मेरे मेहनत करना है, इंडेस 115 और AS9 का हमको डिफरेंस चाहिए, मैंने उस टाइम दिखाया था एक्सेल सीट। अनुषा हमको इसका आंसर चाहिए, इंडेस 115 और AS9, दो दो पॉइंट सब लिखिए, इंडेस 115 और AS9 में क्या डिफरेंस है, वीडियो ऑन कर लीजिए फटाफट, लिखिए मेरे को आंसर चाहिए इसका, आगे नहीं बढ़ेंगे भाई, जल्दी इंडेस 115 और AS9 में क्या डिफरेंस है, फटाफट, बी क्विक, रने रेडी जल्दी फास्ट, जितेश अग्रवाल, मेगा सिंगल, भाई मेगा सिंगल वीडियो ऑन करो तुम, पढ़ाई ज्यादा स्पीड बढ़ाओ, बहुत स्पीड स्लो है, तुम्हारा स्पीड सबसे फास्ट होना चाहिए पता है, तो इतना स्पीड स्लो होने से कैसे होगा, बहुत स्पीड बढ़ाना पड़ेगा पढ़ने का, कंट्रोल ट्रांसफर और पीरियड ऑफ टाइम, AS9 रिक्स एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर, गुड वेरी गुड, ये हो गया कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, और पॉइंट बताओ, और पॉइंट क्या था, मतलब अटेंटिव नहीं है रिश्ता, तुम तो भाई लिखो क्या था इंडेक्स 115 और AS9 में डिफरेंस, मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों, कोई नहीं पढ़ाता है, ज्ञान देने से ही नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा इतना सारा चीज, होगा नहीं कल फिर से, अभी मेहनत कर लोगे तो हो जाएगा, सबसे मेहनत वाला काम पढ़ाई करना है पता है, जिंदगी में सबसे मेहनत काम है पढ़ाई करना, इट्स अ लो डोपामिन एक्टिविटी, स्टडीज इज अ लो डोपामिन एक्टिविटी पता है, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन लाइफ, इट्स अ लो डोपामिन एक्टिविटी है ना, इंस्टाग्राम में रील देखे कि 5 घंटा निकल जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा और 5 घंटा पढ़ लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने क्या चीज कर लिया यूपीएससी एग्जाम, इट्स अ लो डोपामिन एक्टिविटी, पढ़ने का किसी को मन नहीं करते है, पर लक्ष्मी सबको चाहिए क्या नहीं होता ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वेरी गुड, इंडिया इज टाइम AS9 नॉट कन्वर्ट, वेरी गुड मल्ला, ठीक है, रिकॉग्नाइज एंटर कंट्रोल ऑफ ट्रांसफर, दिस इज रिकॉग्नाइज एंटर कंट्रोल कंसीडर गुड्स, वेरी गुड वेरी गुड, पॉइंट ऑफ टाइम एरर AS9 एरर, पॉइंट ऑफ टाइम वेरिएबल, टाइम एरर, टाइम वैल्यू बिल्डिंग, बट देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ दिस, वेरी गुड रवि, क्या नाम है कृष्णा, आप पूरा एकदम अटेंटिव रहेगा भाई, हां पूरा पढ़ना पड़ेगा पूरा, स्टडी इज अ लो डोपामिन एक्टिविटी पता है, व्हाट इज स्टडी, स्टडी इज अ लो डोपामिन एक्टिविटी, डोपामिन पता है ना
इट्स अ लो डोपामिन एक्टिविटी, पता है? इट्स अ लो डोपामिन एक्टिविटी, राइट? इट्स अ वेरी लो डोपामिन एक्टिविटी एंड वी नो दिस प्रॉब्लम इन द मार्केट. इट्स अ लो डोपामिन एक्टिविटी. पढ़ने का मन नहीं करता इंसान को, कैसे भी करके लक्ष्मी आ जाए, नहीं होगा ना. नहीं होगा ऐसे करने से. ठीक है, पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, इंडेक्स 115 मेरे हिसाब से आप पॉइंट्स आप लोग ने लिख लिया, ये पॉइंट्स एकदम याद रखना है. बहुत जन बोलते हैं वो याद नहीं रहता, अरे पढ़ता ही नहीं है. पहले पढ़ने से सब याद रहता है. पढ़ने का टाइम में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ जाता है इंसान को, याद करने का कोशिश करेगा. जब भी आप पढ़ने लगोगे ना तभी इंपॉर्टेंट काम याद आएगा. और आपका भी गलती नहीं है, भगवान भी आपका साथ नहीं देता उसमें. क्या उसी टाइम कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाएगा. ठीक है, इसलिए एक बार और देख लीजिए पॉइंट्स, एक बार रिवाइज करा देते हैं. अब हम पूछेगा आप लोगों को, ठीक है? नींद नहीं आएगा बिना. अभी सबको पूछेगा माँ इंडेक्स 115 और AS9. अब आपको पूरा अटेंशन चाहिए, ठीक है? कंट्रोल ट्रांसफर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर इजी है, डील्स विद ऑल टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. ऑल टाइप्स यहाँ पर मैं क्या है, ओनली सेल ऑफ गुड, रेंडरिंग सर्विस, ये तो पढ़ा था आपने IPCC में. याद करने का कोशिश करिए, सर्विस इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड डिविडेंड अपना याद करिए. करण अर्जुन वाला सर्विस इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड डिविडेंड था, नीचे में होता था आपका जो पेज होता था ना, नीचे में होता था ये लाइन, सर्विस इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड डिविडेंड. या पर सारा आप ऑब्लिगेशन दे देते हैं लोग. या पर क्या, गिव्स गाइडेंस हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड मेजर मल्टीपल एलिमेंट्स विद इन द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स. मान के चलो एक आइटम है उसमें बहुत सारा बाइफरकेशन होगा, तो मल्टीपल एलिमेंट्स का गिव्स गाइडेंस, यहाँ पर कोई गाइडेंस नहीं है. एक चीज याद रखने का टेक्निक करी, यहाँ पर मैं सब में नो नो ही है, याद हो जाएगा. यहाँ पर मैं यस है या नो नो लिखा है. ये रेवेन्यू इज ट्रांजेक्शन प्राइस, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ये ग्रॉस इनफ्लो. ठीक है, मैं पूछूंगा ये, एक दो जन को पूछता हूँ. ठीक है, इंडेक्स 115 और AS9 कौन बताएगा? इंडेक्स 115 और AS9, कृष्णा तुम बहुत सो के रखा है, तुमको ही पूछते हैं, चलो जरूर जाओ. इंडेक्स 115 AS9 बताओ. बोलो जल्दी जल्दी बोलो, 5 पॉइंट एकदम फास्ट एकदम. हाँ, इंडेक्स 115 एन AS9. बोलो, म्यूट में हो भाई. हाँ, ये सवाल बहुत पूछा है हर जगह, आई नीड दिस आंसर. इंडेक्स 115 ऑब्लिगेशन ट्रांसफर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड AS9 इज ए रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर्ड आप एंड लोग सब जन सम 5 पॉइंट गाइडेंस इज ग्रुप में लिख प्रोवाइड. लो, बाकी जन कॉन्फिडेंस आ जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा. हाँ बोलो. देयर इज ए गाइडेंस प्रोवाइडेड इन इंडेक्स 115 फॉर रिकॉर्डिंग. देयर इज नो गाइडेंस प्रोवाइडेड इन AS9 क्या चीज का एंड लेके गाइडेंस है इंडेक्स में, क्या चीज को लेके गाइडेंस है? हाँ एंड और इंडेक्स 115 कंसीडर्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इन AS9 इज नॉट कंसीडर्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, और इन इंडेक्स 115 रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन मल्टीपल स्टेजेस दैट गाइडेंस इज प्रोवाइडेड एंड मल्टीपल स्टेजेस ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स विद रिकॉग्निशन इन अ ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस, जो विदिन मल्टीपल विदिन अ एलिमेंट्स होता है ना ट्रांजेक्शन. सेल प्राइस का, तुम्हारा सेल प्राइस का जो मल्टीपल बिल्कुल एलिमेंट्स होता है, फॉर एग्जांपल AC है, तो उसमें सेल प्राइस में कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ फीस होता है ना, ड्यूरेशन फीस, ड्यूरेबिलिटी, AC चार्जेस, सर्विस चार्जेस, तो सबका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है एज पर इंडेक्स. समझ पे आया? सबका अलग अलग ट्रीटमेंट होगा, पर AS में ऐसा नहीं है कुछ भी. ठीक है, और क्या था? रेवेन्यू ट्रांसफर एज पर एट द विच प्राइस होता है, इंडेक्स में कौन सा प्राइस लगता है आपका रेवेन्यू ट्रांसफर में? फिक्स्ड और वेरिएबल ट्रांजेक्शन हाँ ट्रांजेक्शन प्राइस, और वापर में AS में क्या लगता है? ग्रॉस, दिस ग्रॉस ग्रॉस इनफ्लो ऑफ और कैश एंड रिसीवेबल. कैश रिसीवेबल्स. ठीक है, वेरी यस गुड, हो गया ना. यस देख यहाँ पर ट्रांजेक्शन प्राइस और ग्रॉस इनफ्लो हो गया, यहाँ पर मैं गाइडेंस मिलता है मल्टीपल एलिमेंट्स विद इन द सर्विस, वहां पर मैं ऐसा कुछ वो नहीं है. और क्या है बस ये, क्या पर मेरे कंट्रोल ट्रांसफर, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर, क्या पर टाइम वैल्यू, आपको टाइम वैल्यू नहीं है. और कोई पॉइंट है? और कोई पॉइंट मेरे को याद नहीं आ रहा है, और कोई पॉइंट बचा है? सारा हो गया. हाँ यहाँ पर मैं ऑल टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यहाँ पर मैं क्या है,
पर क्या था, ऑल टाइप ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यहाँ पर मैं क्या, गुड सेल, सर्विसेज और गुड रॉयल्टी इंटरेस्ट सर्विसेज, डिविडेंड, रॉयल्टी, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्ट डिविडेंड। ओके सारा पॉइंट हो गया, वेरी गुड। पॉइंट्स को आप लोग ग्रुप में लिखते जाओ जल्दी जल्दी। इंडेक्स 115 AS9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिखो कृष्णा, नींद जग जाएगा फटाफट। आई नीड दिस टू बी डन। मोनू दलाल वीडियो ऑन कर लो, आप लोग सब जन वीडियो ऑन करो। राजविंदर, प्रणय रेड्डी, सौरभ, प्लीज वर्क हार्ड, आई एम टेलिंग यू दिस इज द टाइम टू रियली वर्क हार्ड। ठीक है, इंसान जो मेहनत करेगा सही समय में तभी जाके फल मिलेगा उसको। ठीक है, प्लीज इसका करिए कंप्लीट। इंडेक्स 115 AS9 मेरे को इसका सारे आंसर चाहिए एकदम फटाफट में, जल्दी जल्दी होगी एकदम। पहले यहाँ पर मैं क्या था, कंट्रोल ट्रांसफर या रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर लिखते जाइए। यहाँ पर मैं क्या था, ट्रांजेक्शन प्राइस, यहाँ पर मैं ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश रिसीवेबल्स, यहाँ पर क्या था आपका ईच एंड एवरी गाइड एलिमेंट्स ऑफ द शेयर प्राइस का, जो भी आपका ट्रांजेक्शन प्राइस है उस पर बहुत गाइडेंस देगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है बाइफरकेशन। यहाँ पर क्या था आपका वेरिएबल टाइम वैल्यू फैक्टर मनी था, राइट, कि आपका जो वेरिएबल कंसिडरेशन का टाइम वैल्यू लगेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था और बस हो गया। और कौन सा पॉइंट है, और पे पॉइंट छूट रहा है, ऑल टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यहाँ पर मैं क्या था AS9 में, क्या था, क्या था बताइए, क्या था, सॉरी बताइए क्या था, सेल, सेल सर्विसेज, गुड्स रॉयल्टी, सर्विसेज इंटरेस्ट रॉयल्टी डिविडेंड, गुड्स सर्विसेज इंटरेस्ट रॉयल्टी, रॉयल्टी डिविडेंड। इसके छोड़ के कोई और अगर आपका सर्विसेज हो रहा है, गुड सर्विसेज इंटरेस्ट रॉयल्टी डिविडेंड को छोड़ के, तो AS9 कवर नहीं करता था। ठीक है, क्वेश्चन आएगा AS9, AS9 तो है ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आपका इंडेक्स 115 कवर करता है क्या? यस यस करते हैं, ये देख लीजिए इसका आंसर, इसका आंसर हमको ग्रुप में लिखिए, इसका आंसर आप लोग फटाफट यस लिखिए भाई। बोनू आप लोग आंसर नहीं लिख रहे, मेगा सिंगल सो क्या हेलो तुम तो, क्या लिखो आंसर इसका। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इंडेस, हमको इसका आंसर चाहिए बिकॉज ये आंसर बहुत पूछ रहा है, अभी 6 इंटरव्यू में ऑलरेडी पूछ चुका है, पूछते ही आउट AS9। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये लोग पूछ रहे हैं व्हाट इंडेस 115 डज नॉट कवर, डज नॉट कवर, ये पूछते हैं व्हाट इट डज नॉट कवर। कवर तो सब कुछ है, कवर क्या नहीं करता है, इसका आंसर देखिए मेरे को भी नहीं पता। चेक इंडेक्स 115 कवर क्या नहीं करता है, आंसर देखिए आप लोग, और इसका दोनों को हमको देख के देता है 115, और सही आंसर देंगे जो भी नोट्स फॉलो करते हैं। इंडेक्स 115 कौन सा स्टैंडर्ड कवर नहीं करता है, मतलब क्या चीज वो रेवेन्यू में नहीं कवर करेगा आपका। What type of transactions are not covered under Ind AS 115? जल्दी जल्दी खोजिए अनुषा, कृष्णा, ठीक है, यशवंत, क्या कवर करता है सर, किस पे अप्लाई नहीं होता? में लिखा है व्हाट इट डज नॉट कवर इंडेक्स 115, व्हाट इट डज नॉट कवर, वेरी गुड वेरी गुड। कमीशन, ओके, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंसोलिडेशन, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंडेक्स 109 10, ठीक है, लीज कॉन्ट्रैक्ट ये कवर नहीं करता है ना आपका। मेरा रिप्लाई भी लिखिए मेगा, ये आंसर मेगा रिप्लाई में करिए, इंडेक्स 115 क्या चीज कवर नहीं करता है, रिप्लाई में लिखिए।
क्या चीज कवर नहीं करता है। देखिए इंटरव्यू में आपको ज्यादा आंसर का जवाब नहीं, आपको ज्यादा क्वेश्चन का जवाब नहीं पता होना चाहिए, पर कुछ कुछ क्वेश्चन का जवाब आपको पता होगा, तो आपका काम हो जाएगा उधर में, क्योंकि इंडियस आपको ज्यादा नहीं पूछेगा इंटरव्यू में, लिटिल बिट पूछा जाएगा इंटरव्यू में इंडियस को लेके। यू आर एबल टू से दैट इट्स मोर देन एनफ, गॉट माय पॉइंट ना? पूरा बुक पढ़ने का दरकार नहीं। पर वो फॉरवर्ड करने का ऑप्शन नहीं आता है चैट में ना, मतलब क्या चीज का फॉरवर्ड, मेरे में नहीं आ रहा, मतलब क्या चीज नहीं आता है उससे? आपके आपके मेरे को क्वेश्चन का लाइट रिप्लाई दिखता का है लेकिन काम करता है वो, एक बार क्लिक करके देखो। होगा होगा ठीक है। व्हाट इट डज नॉट कवर, लीज कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। वेरी गुड, लीज इंश्योरेंस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वेरी वेरी गुड। लीज इंश्योरेंस आप लोग अभी याद कर लीजिए, हम चाहते हैं आप लोग जल्दी याद करो, याद करने में टाइम इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए, ज्यादा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है? वी नीड टू कवर अप लॉट ऑफ कंटेंट, ठीक है? याद का अपना स्पीड बढ़ाओ, कि यू शुड नॉट बी टेकिंग टाइम टू रिमेम्बर थिंग्स, ठीक है? एक चीज ये पूछता है, डिफरेंस बिटवीन जनरल लेजर एंड सब लेजर, डिफरेंस बिटवीन जनरल लेजर एंड सब लेजर, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये पूछता है आपको, कहाँ पर पूछेगा पता है आपको? ये सब वहां पर पूछेगा आपको, जेनपैक एक्सेंचर वगैरह में पूछेगा। डिफरेंस जनरल एंड सब लेजर, वेरी इजी, जनरल लेजर इज अ मास्टर अकाउंट, सब लेजर इज अ सबसेट ऑफ जनरल लेजर, जनरल लेजर अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट पेबल, सब लेजर हो गया सिंगल कस्टमर अकाउंट, सिंगल वेंडर अकाउंट, वेरी इजी, इट्स वेरी वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट, राइट? जल्दी से ग्रुप में अपडेट करो उसको, जनरल लेजर एंड सब लेजर, मान के चलो अकाउंट रिसीवेबल हो गया, जनरल लेजर हो गया, सब लेजर क्या हो गया? एक सिंगल कस्टमर अकाउंट पेबल होगा, तो इसका आंसर जल्दी से अपडेट करो ग्रुप में। जल्दी जल्दी अपडेट करो इसका आंसर, थोड़ा स्पीड पर आओ आप लोग, एक दो आदमी जल्दी जल्दी बढ़ाएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये आपको पूछा था पीडब्ल्यू सी एस डी सी में, एल के वर रिपीट्स, व्हाट विल बी द रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन केस ऑफ जोमैटो, ओला, उबर, एमेजन, फ्लिपकार्ट। जनरली आपको स्टार्टअप में भी पूछता है और ये बिग फोर में भी पूछता है, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? व्हाट विल बी द रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एंड सेकेंड क्वेश्चन पूछता है कि बिल्डर हैज 500 फ्लैट्स, ही हैज हायर्ड अ मार्केटिंग एजेंसी और अ ब्रोकर टू सेल फ्लैट्स एंड ही गेट्स अ कमीशन, एंड ही गेट्स अ कमीशन, व्हाट विल बी द रेवेन्यू रिकॉग्निशन? इन बुक ऑफ ब्रोकर और मार्केटिंग एजेंसी, मेरे को ये सब रिवीजन आपका चाहिएगा, वेन एवर यू डूइंग ब्रेकफास्ट, ठीक है? ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, भाई चैट्स देख लो, डोंट वेस्ट टाइम, वेन एवर यू आर अनप्रोडक्टिव लाइफ में, कभी भी डिमोटिवेशन फील हो रहा है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, सोते सोते चैट्स देखते जाओ, एनी टाइम यू सी द चैट्स, चैट्स पढ़ पढ़ के चैट जीपीटी बन जाओ भाई, पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है, समझ में आया ना? चैट्स पढ़ पढ़ के पूरा चैट जीपीटी अंदर में हो जाना चाहिए तुम्हारा, आंसर आंसर ही निकले तुम्हारा, ये याद रखना पड़ेगा, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट पूरा देखते जाओ, एक एक क्वेश्चन पढ़ लो, गो थ्रू कर लो, इससे क्या होगा तुम्हारा रिकॉल हो जाएगा, रिकॉल करना बहुत जरूरी है, कुछ भी पूछा जा दिया, समझ में आया? समझ में आ गया ना ये चीज, यू नीड टू रिकॉल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ना, मैं पोल कर देता हूँ इस चीज को लेके, यू नीड टू रिकॉल द चैट्स, व्हाट्सएप चैट्स क्वेश्चंस, ठीक है? मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट बिफोर मील, दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प, हम बोल रहे हैं, इससे क्या होगा आपका रिकॉल हो जाएगा, इट विल हेल्प यू टू रिकॉल एवरीथिंग, इट विल हेल्प यू टू रिकॉल एवरीथिंग, प्लीज इसको येस करना है सबको, दिस इज गोइंग टू बी येस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इससे आपका क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि कुछ तो सामान है हमारे पास,
ये आपको पढ़ने में मजा आएगा कोई भी चीज को, इतना तो आता है मेरे को, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो बहुत ज्यादा सिलेबस लगेगा, होगा ही नहीं। देखो हमेशा याद रखना, ये चाहे ब्रोकर हो तो कमीशन ही रिकॉर्ड होगा, चाहे आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर हो तब भी कमीशन रिकॉर्ड होगा, बट इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? IRCTC एंड स्पाइस जेट। IRCTC एंड स्पाइस जेट का केस में आपका सेल परचेज रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो IRC व्हाट विल बी द रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन केस ऑफ स्पाइस जेट और IRCTC सेलिंग टिकट्स? इसका केस में कमीशन रिकॉर्ड नहीं होगा, क्या रिकॉर्ड होगा? क्या रिकॉर्ड होगा? सेल परचेज। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट फॉलिंग इन द डेफिनेशन ऑफ एजेंट, इट्स नॉट फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ एजेंट। दिमाग लगाए क्यों? समझ में आ गया ना? इसका लिख लीजिए, कोई को डाउट है इसको लेके तो एक बार इसको वो कर देगा। एनीबडी हैज डाउट इसको लेके? ये पूछा है इंटरव्यू में कि आपका फ्लिपकार्ट का केस में क्या होगा और IRCTC अगर टिकट बेच रहे हैं तो क्या होगा? IRCTC का केस में कमीशन होगा, राइट? IRCTC का केस में कमीशन होगा, राइट 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 मोनू? IRCTC का केस में कमीशन रिकॉर्ड होगा, करेक्ट? नो सर, सेल परचेज। क्यों सेल परचेज क्यों होगा IRCTC का केस में? नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एजेंट। व्हाई इट इज नॉट फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ एजेंट? IRCTC बेचे तो बिकॉज एजेंट नहीं होगा, इट इज डायरेक्टली सेलिंग इट टू द कस्टमर। डायरेक्टली सेलिंग हो रहा है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। टिकट नहीं अगर बिका तो उसका लॉस हो जाएगा IRCTC इन्वेंटरी का, रिस्क भी है उसका, इन्वेंटरी इन्वेंटरी रिस्क। रिस्क है, इन्वेंटरी रिस्क है। IRCTC स्पाइस जेट अगर वो स्टैंड अलोन बेच रहा है, फ्लिपकार्ट क्या है? ब्रोकर है। स्विगी क्या है? ब्रोकर है। जोमेटो क्या है? ब्रोकर है। दे आर ब्रोकर, ना राइट? उनका तो रिस्क नहीं है। कोई रिस्क नहीं है, अमेजन रिस्क नहीं है उसका, तभी तो अमेजन इतना पैसा वाला बन गया, बिना रिस्क का पैसा बनाता है लोग। नो रिस्क। स्पाइस जेट IRCTC पूरा रिस्क लेता है लोग, टिकट नहीं बिका तो लॉस, ठीक है। तो ये लोग का रिस्क है, तो याद रखो सबसे बड़ा बात तो यही है, लॉजिक याद रखना है, लॉजिक। वो लोग ब्रोकर है, वो लोग इन्वेंटरी रिस्क नहीं ले रहे हैं, IRCTC वो लोग इन्वेंटरी रिस्क ले रहे हैं, नंबर वन तो यही कारण हो गया। रट्टा नहीं मारना, कितना मारेगी रट्टा भाई ना? देयर इज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? एजेंट कौन होता है? अब इसका एक क्वेश्चन पूछ लिया तुमको, इंटरव्यू में ही पूछ लेता है एज पर इंड एस 115। तो एजेंट का क्या होगा? इसका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एजेंट मतलब अमेजन, ऐसे याद रखो। तो उसका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, जोमैटो याद रखो, जोमैटो है ना, जोमैटो याद रखो। देयर नो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, डज नॉट बेयर द इन्वेंट्री रिस्क एंड डज नॉट हैव द डिस्क्रिशन टू सेट द प्राइजेस। तुम बोला जोमैटो को 200 रुपए का खाना 50 रुपए में दे दो, दे देगा क्या? वो नहीं देगा, वो पहले होटल वाले को पूछेगा आपका पोसा रहा है क्या, तभी देंगे, राइट? इट डज नॉट हैव द डिस्क्रिशन टू सेट द प्राइजेस, राइट? क्योंकि वो तो एजेंट है ना, ये एकदम याद रख लो, 3 पॉइंट आता है इसमें। इज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इट डज नॉट बेयर द इन्वेंट्री रिस्क, और वो प्राइस नहीं सेट करता है, समझ रहे हैं ना? ये लिख लो अच्छा से, ये चीज लिख लो, 3 पॉइंट होता है एजेंट का, अगर पूछ लिया तो वो एजेंट का, इट डज नॉट हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इट डज नॉट बेयर द डिस्क्रिशन टू सेट द प्राइजेस एंड इट डज नॉट बेयर द इन्वेंट्री रिस्क, बिकॉज उस ब्रोकर है ना, तो इन्वेंट्री का रिस्क लेता है ना, डिस्क्रिशन है उसका सेट प्राइजेस करने का, ना ही उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जल्दी जल्दी इसका ग्रुप में अपडेट करो आंसर, बी क्विक, खुद से नहीं होगा ये सब चीज, खुद से आप करोगे ना 2 घंटा लगेगा, हमारे साथ करोगे 5 मिनट में काम हो जाएगा, ठीक है। एजेंट का क्या होगा? एजेंट वो होता है जो इन्वेंट्री रिस्क नहीं लेता है, एजेंट वो होता है जो सेट नहीं करता, उसका कोई डिस्क्रिशन ही नहीं है सेट करने का प्राइस, और एजेंट और होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फुलफिल करने का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, लिख लीजिए, जल्दी ग्रुप में लिखिए, ही डज नॉट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, ही डज नॉट हैव द डिस्क्रिशन टू सेट द प्राइजेस, एंड लास्ट एक और चीज है, क्या था वो? भूल गया, मैं भी भूल गया, क्या था? रिस्क ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अब रिस्क नहीं लेता है, ठीक है, जल्दी जल्दी, वेरी गुड,
ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पूछ लेता है तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। दैट्स आई डिड इट। भाई एक क्वेश्चन आपको आता है, ठीक तुमको जा पूछेगा, व्हाई इंडेस वाज इंट्रोड्यूस्ड, व्हाई इंडेस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्लूड द ऑफ बैलेंसीड आइटम टू ऑन बैलेंसीड आइटम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही करवा रहा है जो ज्यादा करके आने का है, ठीक है। Why introduced was introduced, बाकी भी इंपॉर्टेंट है पर कम थी चांसेस है। डिस्काउंट रेट का आंसर सब रॉन्ग लिखा था, डिस्काउंट रेट इन द बुक्स ऑफ लेसी, इन द बुक्स ऑफ लेसी। तो ये वाला पहले कर देते हैं, डिस्काउंट रेट क्या होगा इन द बुक्स ऑफ लेसी, लेसर का आईआरआर होगा, याद कर लो लेसी है ना, तो लेसर का आईआरआर होगा, अगर आईआरआर अवेलेबल नहीं है तो लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। तो लेसी का बुक्स में क्या लेगा, मतलब रेट क्या लेगा, लेसर लेसर लैंडलॉर्ड, लेसी टेनेंट, ऐसे याद रखिए, लेसर क्या हो गया, टेन लैंडलॉर्ड हो गया, लैंडलॉर्ड हमेशा अपना आईआरआर देना चाहेगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अगर वो अवेलेबल नहीं है तब लेसी अपना देखेगा इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। इसको ऐसे भी ले लो कि तुम लोन ले रहे हो और ये बैंक है, तो बैंक अपना आईआरआर लेगा, अगर बैंक का आईआरआर नहीं है तो लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट कितना है, ये लिख लो, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। लेसर आईआरआर, इफ द लेसर आईआरआर इज नॉट अवेलेबल देन लेसी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, जल्दी जल्दी लिख लो। जो लिखेगा उसको याद रहेगा, उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, जो नहीं लिखेगा उसको ये पढ़ना पड़ेगा 10 बार। मैंने पहले लिख दिया सर, ये लिखा हुआ है। अच्छा लिख लिया, एक और लिख लो, फिर सब जन लिख लो, डिस्काउंट रेट इन द बुक्स ऑफ लेसी, लेसर आईआरआर, इफ द लेसर आईआरआर इज नॉट अवेलेबल तो लेसी का इंक्रीमेंटल, और रटने का कोशिश मत करो, रटने का कोशिश करेगा ना तो आपको बार बार याद करना पड़ेगा, लेसी है तो भाई वो लेसर तो आयरर ही लेगा ना, अगर आयरर नहीं अवेलेबल है तब अपना लेसी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट लेगा। जल्दी लिख लो, फटाफट लिखो आप लोग ग्रुप में, इतना टाइम नहीं भाई, इतना टाइम नहीं देंगे, इतना यू हैव टू बी स्पीड, स्पीड बनाना जरूरी है। अनुषा सौरिया सब वीडियो ऑन रखो, जितेश वीडियो ऑन रखो, भाई तुम्हारा चेहरा नहीं देगा हम लोग सुबह से, वीडियो ऑन रखो, यशवंत सौरव, ठीक है, मेगा सिंगल, ठीक है, ठीक है, लेसर अवेलेबल नहीं है तो लेसर का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, ठीक है, चलो गुड। तो अब आ गया भाई, इंडेस 116 इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, इंडेस 116 इंट्रोड्यूस क्यों हुआ ये बहुत पूछेगा, टू इंक्लूड द ऑफ बैलेंस शीट टू ऑन बैलेंस शीट आइटम, अर्लियर इट वॉज फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी, अभी क्या है, नाउ इट्स फाइनेंस लीज इन द बुक्स, राइट ऑफ यूज्ड एसेट इज क्रिएटेड, ये पॉइंट लिखना पड़ेगा, ये पॉइंट कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ मेरे को, टू इंक्लूड द ऑफ बैलेंस शीट टू ऑन बैलेंस शीट आइटम, अर्लियर इट वॉज फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी, नाउ इट इज फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी, देयरफॉर आर यू एसेट इज क्रिएटेड, बताओ कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे को ये पॉइंट, इंडेस 116 व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, बताओ अबे राठी बताओ, इंडिया 16 इज इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफशीट टू ऑफशीट बैलेंस शीट आइटम्स इन ऑन बैलेंस शीट आइटम्स। एक्सप्लेनेशन बताओ क्यों हम लोग ने क्यों इंट्रोड्यूस किया है, मतलब ये पहले क्या था अभी क्या था, कौन बताएगा अच्छा से। हाँ अर्लियर इन द बुक्स ऑफ लेजी इट वाज फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग, नाउ इन द बुक्स ऑफ लेजी इट इज अ फाइनेंशियल लीज एंड इट विल कम इन बैलेंस शीट एज अ एसेट। और कोई बताएगा, सॉरी आप बताओ, वीडियो ऑन कर लो, सब वीडियो ऑन करो, कृष्णा कृष्णा भाई, कृष्णा जितेश भाई वीडियो ऑन करो, नींद आ रहा तो चल जाओ, वीडियो ऑन रखो, नींद नहीं कर सकते आप लोग, हम लोग नींद नहीं कर, आप लोग नींद कर रहे भाई, क्या बात है, वीडियो ऑन कर लो, यशवंत जितेश, जितेश हो गया क्या, जितेश ठीक है भाई, ऑलरेडी ग्रुप में है, बार बार शेयर नहीं कर सकते एक ही चीज को, ये सारा सीट ग्रुप में है आप लोग, ठीक है, नथिंग इज शेयर्ड, बताओ क्या बोल रहा था अभी, क्या बोल रहा था, अच्छा कौन बोल रहा ये है,
मैंने क्या पूछा था अभी, क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने, क्या पूछा था क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा था भूल गया, क्या पूछा था। हाँ व्हाइट वाज इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड हाँ इंट्रोड्यूस्ड अब बताओ कृष्णा, व्हाइट वाज इंट्रोड्यूस्ड, क्या लॉजिक प्रीवियसली था। इट लीज अकाउंटिंग शोन एज ए ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी नाउ एज पर इंड एस 116 इट इज शोन एज ए फाइनेंस लीज एंड रिकॉर्डेड ऑफ बैलेंस शीट आइटम एज ए अनबैलेंस शीट आइटम एंड एक्सप्लेन रिकॉर्डेड एज एन आर1 एसेट करो ना, एक्सप्लेन, पहले क्या था अभी क्या था, इंड एस 116 का। पहले फाइनेंस लीज एंड इंडेस सोलह मोनू दलाल आप बताओ, आप लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो वहां क्या ही बोलोगे भाई, उन लोगों को बोल, पूरी एक्सप्लेनेशन पूछेगा तुमको, मोनू दलाल बताओ। नॉन बैलेंस शीट आइटम्स इंफॉर्मेशन के लिए इंडेस 116 वाज इंट्रोड्यूस पहले था फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी, ठीक है, अभी वो हटा दिया, फाइनेंस इज ऑपरेटिंग लीज नहीं बोलता, अभी बोलता खाली फाइनेंस लीज ही है लेसी में। पहले सब क्या करता था, ऑपरेटिंग लीज करके ना उसको वो कर देता था, मान के चलो तुमने कोई सामान की ना खरीदा, मतलब बाई किया, तुमने उसको ऑपरेटिंग लीज में दिखा दिया, तुम ऑपरेटिंग लीज में दिखाने का मतलब तुम चार्ज टू पीएनएल कर दिया उसको, तो उसको बैलेंस शीट में आने ही नहीं दे रहे है। तो ये लोग ने इसलिए ऑफ बैलेंस शीट को ऑन बैलेंस शीट लाया है, सबको बोला सब कुछ फाइनेंस लीज ही है, उसका एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, पर ये आंसर याद रखना बहुत जरूरी है, टू इंक्लूड द ऑफ बैलेंस शीट टू ऑन बैलेंस शीट, क्योंकि सब कुछ ही पहले ऑफ बैलेंस शीट में डाल देता था लोग ऑपरेटिंग लीज करके। बात समझ में आ रहा है, ऑपरेटिंग लीज का ट्रीटमेंट क्या होता है, चार्ज टू पीएनएल, तुमको बैलेंस शीट में आने ही नहीं दे रहे है। कोई भी सामान खरीद रहे हैं कंपनी सब सामान खरीद के उसको चार्ज टू पीएनएल ऑपरेटिंग लीज कर देता था, बैलेंस शीट में आने नहीं दे रहे है, हाइड कर रहा है लाइबिलिटी को, हाइड करने का कोशिश कर रहा है, एसेट को हाइड करने का कोशिश कर रहा है। तो अभी क्या बोला, सब कुछ फाइनेंस लीज होगा, पर इसका दो एक्सेप्शन है, क्या है वो बताओ मेरे को, अब समझ में आ गया ना, वो लोग लॉजिक पूछेगा, व्हाट इज द एक्सेप्शन, व्हाट इज द एक्सेप्शन टू व्हाट, क्या क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द एक्सेप्शन टू दिस फाइनेंस लीज, एवरी लीज विल बी रिकॉर्डेड एज अ फाइनेंस लीज एज आर यू एसेट, आर यू एसेट मतलब राइट ऑफ यूज एसेट, इसका एक्सेप्शन क्या है, दो एक्सेप्शन है बताओ जल्दी जल्दी, कौन बताएगा, मैं पढ़ के आया, आप लोग आर यू एसेट कब हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करेगा, व्हाट इज द एक्सेप्शन टू आर यू एसेट, कब, व्हाट इज द एग्जेम्पशन टू आर यू एसेट, लेस देन ट्वेल्व एग्जेम्पशन टू आर मंथ यू एसेट, हाँ शॉर्ट टर्म, कितना शॉर्ट टर्म भाई, एंड शॉर्ट टर्म कितना शॉर्ट टर्म, या नहीं तो लेस देन 12 महीने हाँ लेस अगर देन बारह 12 महीने महीना से नीचे एंड हुआ, 12 महीना से नीचे हुआ या तो वो लो वैल्यू है, लो वैल्यू, लो वैल्यू इज सब्जेक्टिव, लिखते जाओ ठीक है, तो ऐसे करके लोगों को समझाने में काम आएगा, लो वैल्यू सब्जेक्टिव, अकाउंटिंग पॉलिसी में लो वैल्यू सब्जेक्टिव नॉट डिफाइंड इन इंडिया, थोड़ा लिख लो ठीक है, ये यार ये पूछेगा तुमको, वो लोग ये पूछेगा और ये पूछेगा, एक पॉइंट और याद रख लो, एक याद रख ले तो तुमने बहुत एहसान कर लिया खुद के ऊपर में, दूसरा भी कर लेगा तो बहुत बढ़िया, टू कवर द अरेंजमेंट विच आर इन द नेचर ऑफ लीज लाइक आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेट अरेंजमेंट, पावर परचेज अग्रीमेंट, वो लोग क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो लोग पूछेगा भाई कि पावर परचेज अग्रीमेंट लीज अग्रीमेंट होता है क्या, तो या उल्टा उल्टा सवाल पूछता है, तो तुमको ये पॉइंट भी याद करना जरूरी है बाय डिफॉल्ट, तो ये भी अरेंजमेंट जो भी होता है ना, वो नेचर ऑफ लीज है पर लीज नहीं है, तो क्वेश्चन इंक्लूड होगा डू आउटसोर्सिंग अग्रीमेंट, डू आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, डू आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेट अरेंजमेंट्स, फ्रेट अरेंजमेंट्स, पावर परचेज अग्रीमेंट्स, पावर परचेज अग्रीमेंट फॉल फॉल अंडर इंडेस
116 लीजेज, इसका क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा इसका बताओ, क्या होगा, क्या होगा इसका, आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेट अरेंजमेंट, पावर परचेज अग्रीमेंट। यस इट विल बी यस, अभी हम लोग को इसको इंक्लूड कर रहा है, इंडेस 116 ने अपना स्कोप को इंक्रीज किया है, तो तुमको घुमा फिरा कर पूछेगा कि फ्रेट अरेंजमेंट है, पावर परचेज अग्रीमेंट है, आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ये लीज है क्या, यस इट इज अ लीज, तो ये याद रखना है, लीज इतना पढ़ लिया तो तुम्हारा काम हो गया, याद रख लेना, लीज में ज्यादा पढ़ के पूछेगा नहीं तुमको, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा तुमको ये वाला पूछ सकता है, व्हाट इज लीज, व्हाट इज लीज, ये याद रखना पड़ेगा, व्हाट इज लीज एज पर इंड एस 116, तो ये पढ़ लो, व्हाट इज लीज एज पर इंड एस 116। लीज में दो ही चीज होता है, एक आइडेंटिफाइड एसेट होता है, एक राइट टू कंट्रोल यूज, बस ये दो वर्ड है आपको याद रखना है, लीज में दो चीज आएगा आपका, एक तो आइडेंटिफाइड एसेट, एक राइट टू कंट्रोल यूज, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन, ये लाइन याद नहीं करके खाली आइडेंटिफाइड एसेट होना पड़ेगा, राइट टू कंट्रोल यूज होना पड़ेगा, तुमको पूछेगा वो लोग डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट, व्हाट इज आइडेंटिफाइड एसेट, व्हाट इज आइडेंटिफाइड एसेट, आपको बस ये याद रखना है, लीज में दो ही चीज होता है, आइडेंटिफाइड एसेट प्लस करो, यस 1 प्लस करो, लीज में दो चीज होता है, एक आइडेंटिफाइड एसेट एंड दूसरा होता है राइट टू कंट्रोल यूज, राइट टू कंट्रोल यूज, आइडेंटिफाइड एसेट क्या होता है, करो आइडेंटिफाइड एसेट, आप कृष्णा रीड मारो, अच्छा से रीड करो आइडेंटिफाइड एसेट, ये पूछता है सवाल, पढ़ो, वो एक केस स्टडी देगा तुमको बना के, इसमें आइडेंटिफाइड एसेट क्या होता है, पढ़ो ये। Identified asset is explicit or implicit mentioned in the agreement. Supplier lessor does not have substantive substitution rights. Supplier does not have practical ability to substitute the asset. No economic benefit on substitution. Asset is physically distinct. ठीक है, इसको एग्जाम्पल याद रखो, स्पाउस, स्पाउस से तुमको याद हो जाएगा ये, स्पाउस मतलब स्पाउस, ठीक है, अब तुमको याद होगा, जिंदगी भर तुम नहीं भूलेगा, आइडेंटिफाइड एसेट क्या होता है, स्पाउस, इट इज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिटली मेंशन्ड इन द अग्रीमेंट, ठीक है, सप्लायर डज नॉट हैव द सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स, सप्लायर कौन है देख लो, सप्लायर डज नॉट हैव द प्रैक्टिकल एबिलिटी ऑल्सो टू सब्स्टिट्यूट एसेट, नो इकोनॉमिक बेनिफिट, बेनिफिट भी नहीं है सब्स्टिट्यूशन करने से, और एसेट इज फिजिकली डिस्टिंक्ट, अब तुमको सारा आंसर याद हो जाएगा, ठीक है, स्पाउस से याद रहेगा, ठीक है, ये याद रखना, स्पाउस याद रखना, तुमको आंसर याद हो जाएगा, ये इसका हमको आंसर चाहिए आप लोग का, व्हाट इज आइडेंटिफाइड एसेट, दूसरा राउट राइट टू कंट्रोल यूज, क्योंकि वो ना घुमा फिरा कर तुमको केस स्टडी देगा और तुमको बोलेगा ये बताओ ये आइडेंटिफाइड एसेट है कि आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है, ये तुमको करा रहा है सीएफओ एडवाइजरी, ठीक है, सीएफओ एडवाइजरी हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, आ जाओ सेम लिंक में।